नहीं नहीं इन लोगों के बस आगे देखिए, एक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद तुम्हारा कोर्स ख़त्म, ठीक है। देखिए ज़रा एक टॉपिक इनको ईएम वेव का और पढ़ा दें, पढ़ा चुके थे ऑनलाइन पर फिर भी ऑफलाइन में देख लो, पॉइंटिंग वेक्टर और पॉइंटिंग थ्योरम का है, तुम लोग के भी ईएम वेव में है। पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम, बंद कर दो। पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम एंड पॉइंटिंग थ्योरम थ्योरम पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम ऑफ ईएम वेव। पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम ऑफ ईएम वेव ऑनलाइन चुके हैं। हाँ पॉइंटिंग थ्योरम तुम्हें तुम्हारे ग्रुप में नहीं उसमें भेजा था थर्ड ईयर वाले, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर वाले में भेजा था। पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम ऑफ ईएम वेव, एनर्जी डेंसिटी इन ईएम वेव, एनर्जी डेंसिटी इन ईएम वेव, एनर्जी डेंसिटी इन ईएम वेव, मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन है, मैक्सवेल्स थर्ड रिलेशन, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेवर बी अपॉन डेवर टी, ये है मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेवर बी अपॉन डेवर टी। ये मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन है, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेवर बी अपॉन डेवर टी। मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन है, मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन डेल क्रॉस एच डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेवर डी अपॉन डेवर टी। फॉर एयर और वैक्यूम एयर और वैक्यूम के लिए चार्ज डेंसिटी जीरो है, पोलराइजेशन वेक्टर जीरो है और टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट ए।
डी की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट, ई पी जीरो हो गया ना, तो डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ई। अब यहाँ पर बी की वैल्यू म्यू नॉट एच है, बी बराबर म्यू नॉट एच है, तो अब आपका इस वाले रिलेशन को देखिए, सेकंड रिलेशन को, डेल क्रॉस एच बराबर जे जीरो कर दिया, डेवर अपॉन डेवर टी एप्सिलॉन नॉट ई कर दिया, तो डेल क्रॉस एच बराबर एप्सिलॉन नॉट डेवर ई अपॉन डेवर टी। एप्सिलॉन नॉट डेवर ई अपॉन डेवर टी, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डेल क्रॉस म्यू नॉट एच म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट तो ये क्या हो गया, डेल क्रॉस बी हो गया। तो डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर ई अपॉन डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर ई अपॉन। अब इस इक्वेशन फर्स्ट में बी से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय बी, इक्वेशन फर्स्ट को बी से मल्टीप्लाई करिए, तो बी डेल क्रॉस ई बराबर माइनस बी इसको आप ऐसे कर दीजिए, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड ऐसे कर दीजिए, ठीक है, तो ये बचेगा जाके तो बी डेल क्रॉस ई माइनस वन बाई टू डेवर बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर। इसी तरीके से इक्वेशन फोर को मल्टीप्लाई करिए ई से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फोर बाई ई, ई से मल्टीप्लाई करिए तो ई इंटू डेल क्रॉस बी, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई डेवर ई अपॉन डेवर टी, ठीक है। अब ई इंटू डेल क्रॉस बी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाई टू,
ये फिर बन जाएगा वही ई स्क्वायर का, तो ई डेल क्रॉस बी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाई टू डेवर अपॉन डेवर टी ई स्क्वायर। अब इक्वेशन सिक्स से फाइव को घटाइए, इक्वेशन सिक्स से फाइव को घटाइए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है पॉइंटिंग थ्योरम का, ठीक है, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेसनल फार्मूला अब बस खत्म हो गया, अब ये इसमें अब ज़्यादा ना पढ़िए, बस अब आगे इसमें सिर्फ अब रिवीजन करिए। इक्वेशन सिक्स माइनस इक्वेशन फाइव, सिक्स माइनस फाइव, तो ये हो गया ई डेल क्रॉस बी, बी डेल क्रॉस ए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाई टू, प्लस वन बाई टू, इस तरह कर दिया। अब यहां पर म्यू नॉट कॉमन, अब ये जो फार्मूला बना डेल क्रॉस ए क्रॉस बी, डेल ऑफ ए क्रॉस बी का, बी बाहर, डेल ऑफ ए क्रॉस बी, तो बी बाहर डेल क्रॉस ए माइनस ए बाहर डेल क्रॉस बी, अब यहां पर इसी तरीके से बी, ये बी तो बी है पर उसकी जगह ए है, तो ये डेल क्रॉस, ठीक है, डेल क्रॉस बी, बी क्रॉस ई बनेगा, बी क्रॉस ई, वेक्टर बी क्रॉस ई, B क्रॉस ए, म्यू नॉट बाहर ले लीजिए, एप्सिलॉन नॉट बाई टू डेवर स्क्वायर ई अपॉन डेवर टी, एप्सिलॉन वन अपॉन म्यू नॉट इधर आएगा, डेवर स्क्वायर बी अपॉन डेवर, ये आ गया इक्वेशन नंबर हो गया ये सेवन। यहां पर ए के स्थान पर बी ले लीजिए, बी के स्थान पर ई, बी मैग्नेटिक फील्ड वो जनरल वेक्टर था, ये आया, ठीक है, तो बी क्रॉस ए। अब ये जो रिलेशन है वन बाई टू एप्साइल, ये वाला अगर आप इसे ऐसे कर दें तो डेल डॉट
बी क्रॉस ई है। आप ये समझिए म्यू नॉट बाहर रखिए, डेवर अपॉन डेवर टी, एप्सिलॉन नॉट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको आप ऐसे रखें डेवर अपॉन डेवर टी बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट, ऐसे रखें। ठीक है, अंदर कर सकते हो। तो ये बन जाती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर वेयर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये बन जाती है बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट, ये क्या बन जा रहा है मैग्नेटिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेल डॉट बी क्रॉस ई, डेल डॉट बी क्रॉस ई, ठीक है, डेल डॉट बी क्रॉस ई म्यू नॉट डेवर अपॉन डेवर टी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बी स्क्वायर टू म्यू नॉट, बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट। अब टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दोनों को जोड़ दे, एक बार जरा नेहा को एक बार और बता दे, नेहा देखो डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर ई अपॉन डेवर टी, कोई दिक्कत तो नहीं, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। फिर आपने फर्स्ट रिलेशन जो मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन था उसमें बी से मल्टीप्लाई कर दिया, बी से मल्टीप्लाई कर, टू से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, टू बी डेवर बी अपॉन डेवर टी, दैट इज डेवर अपॉन डेवर टी बी स्क्वायर, डेवर अपॉन डेवर टी बी स्क्वायर। तो बी डेल क्रॉस ई ये बन गया, ठीक है भाई, ऐसे कर सकते हो ना, जैसे डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, तो वैसे ही यहां बना टू बी डी बी अपॉन डेवर बी अपॉन डेवर टी, ठीक है, ये हो गया डेवर अपॉन डेवर टी बी स्क्वायर। अब इसी तरीके से इक्वेशन फोर में ई से मल्टीप्लाई करिए, तो ई डेल क्रॉस बी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई डेवर ई अपॉन टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, टू बाहर कर दिया, ये क्या बन गया डीवर अपॉन डीवर टी ई स्क्वायर, जब ई स्क्वायर हो जाएगा तो वेक्टर हट जाएगा, ये बन गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस वाले से सिक्स से इसको घटा लीजिए, ठीक है, सिक्स से फाइव को घटाइए, घटाया देखिए, ई डेल क्रॉस बी बी डेल क्रॉस ई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाई टू डेवर स्क्वायर ई डेवर अपॉन डेवर टी ई स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वन बाई टू डेवर अपॉन डेवर टी बी स्क्वायर। अब जरा एक फार्मूला है डेल ए क्रॉस बी का, बी बाहर डेल क्रॉस ए माइनस ए बाहर डेल क्रॉस बी, ये ए बी दोनों वैक्टर थे, अब ए की जगह पर ले लो बी
और बी की जगह पर ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डेल बी क्रॉस ई हो गया भाई, ये बी क्रॉस ई बन गया, ये पूरा वही फॉर्मूला बन गया। यहां पर ए कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है और बी वेक्टर है, ए बी जो जनरल वेक्टर थे। अब यहां पर जो देखो कि भाई ये जैसे ई बाहर, तो यहां पर ई की ई बाहर हो गया, तो यहां पर ई की जगह पर बी की जगह पर क्या है, ई है, ई बाहर कर दीजिए, है ना। डेल क्रॉस ए की जगह बी ये आ गया, डेल क्रॉस बी ये देखो, फिर माइनस में ए क्या है बी, ये देखो बी बाहर, डेल क्रॉस बी की जगह आपका ई है, ठीक है। अब समझ गए, तो हमारा वही फॉर्म बन रहा है, तो हमने डेल क्रॉस बी, डेल बी क्रॉस ई, म्यू नॉट अब इससे कॉमन ले लिया, तो एप्सिलॉन नॉट बाई टू डेवर अपॉन डेवर टी ई स्क्वायर प्लस वन अपॉन म्यू नॉट डेवर स्क्वायर बी अपॉन डेवर टी, ठीक है। स्क्वायर का अब हमने डेवर अपॉन डेवर टी भाई ये एप्सिलॉन नॉट बाई टू अंदर, डेवर अपॉन डेवर टी बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट अंदर, ठीक। अब यहां पर वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वैल्यू या इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी है, बी स्क्वायर अपॉन म्यू टू म्यू नॉट मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, ये रख दिया तो म्यू नॉट बाहर, डेवर अपॉन डेवर टी वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट, ठीक। अब आपने इसमें बता दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वैल्यू यूई हो गया, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वैल्यू ये हो गया, तो देखिए तो यहां पर U बराबर 1 बाई टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट, ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वैल्यू और ये है मैग्नेटिकल एनर्जी एनर्जी पर यूनिट वैल्यू वैल्यू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेट, तो ये आ गया डेल, यूज किया जाए यूजिंग इक्वेशन 10 इन इक्वेशन 8, 10 को यूज करिए 9, तो डेल B क्रॉस E बराबर म्यू नॉट डेवर अपॉन डेवर टी वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट यू हो जाएगा। इसको भी बदल दिया जाए, ये U हो गया, ये बदलेंगे तो माइनस आएगा डेल डॉट E क्रॉस B म्यू नॉट अपॉन डेवर टी, इधर करिए तो डेल, हाँ क्या कह रही है? एक मिनट आ रहा है, ये लॉन्ग का पोजीशन है,
Thank you.
इसकी वैल्यू है माइनस देवर यू अपॉन देवर टी, माइनस देवर यू अपॉन देवर टी। पॉइंटिंग वेक्टर पी जो है ई क्रॉस एच के बराबर होता है, पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर पी किसके बराबर है, ई क्रॉस एच के, ई क्रॉस एच के। तो ये क्या हो गया, डेल डॉट पी ई क्रॉस एच के। अब यहां पर एच है नहीं, तो ये वाले में रखोगे तो ये, तो डेल ई क्रॉस बी की वैल्यू म्यू नॉट एच, म्यू नॉट म्यू नॉट कॉमन लेके काट दीजिए, ई क्रॉस एच क्या हो गया पी के बराबर, म्यू नॉट कॉमन लेके काट दीजिए, डेल ई क्रॉस एच। देवर यू अपॉन देवर टी, ये क्वेश्चन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है ईएम वेव्स के लिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर ईएम वेव। दिस इज द equation of continuity of EM wave, ये equation of continuity है EM wave की। अब इसी relation को ये वाले में, इस वाले को equation डाल दीजिए 13, ये equation From equation 13, 13, del P minus Dever U upon Dever T, ये है, इसको रख दिया पी, इंटीग्रेट करिए विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू, विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू, वॉल्यूम ये देखें, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट पी डीवी माइनस में डेवर अपॉन डेवर टी, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ यू डीवी, यू क्या हो गया टोटल एनर्जी,
तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डीवी बराबर डेवल यू अपॉन डेवल टी। अब यूज करिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बन गई पॉइंटिंग थ्योरम। यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यूज करिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करिए, वॉल्यूम इंटीग्रल किसमें बदल जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ पी डी एस ठीक है माइनस ये है पॉइंटिंग थ्योरम। This is the pointing theorem. This is the required relation for pointing theorem. Yeah. ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं ईएम वेव्स वाले में।